हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस रिव्यूज में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स की एनिमेटेड सीरीज लव डेथ एंड रोबोट्स को, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लव डेथ एंड रोबोट्स इस एनिमे सीरीज का पहला सीजन 2019 में आया था और इस सीरीज का दूसरा सीजन कुछ ही दिन में आने वाला है। इस सीरीज में टोटल 18 एपिसोड हैं और हर एपिसोड 5 से 15 मिनट के बीच का है। अगर हम इसकी कहानी की बात करें तो इस सीरीज के हर एक एपिसोड की स्टोरी अलग है और इस सीरीज की सारी स्टोरीज काफी ज्यादा छोटी है, इसीलिए मैं इनकी स्टोरीज के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताना चाहता क्योंकि वो स्पॉइलर ही होगा। तो चलो इसके स्क्रीन प्ले की बात करते हैं। तो इस सीरीज के स्क्रीन प्ले सच में मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि हर एक स्टोरी को काफी छोटा और क्रिस्प रखा गया है, जिसके कारण जैसे ही आप इस सीरीज के किसी भी एपिसोड को देखना स्टार्ट करोगे आप उसे खत्म किए बिना उठ नहीं पाओगे। और जो कुछ भी इस सीरीज में हो रहा होगा उन्हें भी इतने ज्यादा अच्छे से लिखा गया है कि हम हर एक एपिसोड के साथ स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में पूरी तरह से कनेक्ट हो जाते हैं और फिर जिस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन हाँ, कुछ ट्विस्ट आपको थोड़े इलॉजिकल लग सकते हैं क्योंकि वो हमें एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं, लेकिन फिर भी आप हर एक ट्विस्ट को एंजॉय करोगे और फिर जिस तरह से हर एक स्टोरी को एंड किया गया है वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। और जहां तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट की, तो इस सीरीज की स्टोरीज काफी ज्यादा छोटी हैं। इसके कारण राइटर्स ने सिर्फ स्टोरी पर ही फोकस किया है, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स को लिखा गया है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और अगर आप इस सीरीज में बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे तो कुछ चीजें आपको ऐसी देखने को मिल जाएंगी जिनमें लॉजिक नहीं मिलेगा, लेकिन वो सारी चीजें एक नॉर्मल व्यूअर काफी आसानी से इग्नोर कर देगा। और जहां तक बात है एनिमेशन की, तो इस सीरीज का एनिमेशन काफी ज्यादा अच्छा है और इस सीरीज में आपको काफी अलग अलग स्टाइल का एनिमेशन देखने को मिलेगा जो कि हमारे एक्सपीरियंस को इनहेंस कर देता है। और जहां तक बात है डायरेक्शन की, तो वो काफी ज्यादा अच्छा है। चाहे आप किसी भी एपिसोड की बात करो आपको इस पूरी सीरीज में कमाल का डायरेक्शन देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये काफी ज्यादा अच्छी सीरीज है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए, आप काफी ज्यादा एंजॉय करोगे। तो मेरी तरफ से तो ये सीरीज पूरी तरह से रिकमेंडेड है और अगर आपने ये सीरीज देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।